सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन आईपीएस रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन जयपुर अध्यक्ष, श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की, श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सनमत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर, मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार, कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की, डॉक्टर अंजलि जैन धर्मपत्नी, श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर, परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया, श्रीमती राम प्यारी बाई, समस्त परिवार मुगावली, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर अजमेर, श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधु श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्रीमान निर्मल जैन अहमदाबाद, शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया, श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील जैन, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली द्वारा कमरे का निर्माण, श्रीमान सज्जन राज, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, साइदा पेट, चेन्नई। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी व्रतियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। एक वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहार शाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119100023 78, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। गौर से देखिए, जग में इससे प्यारा नाम क्या होगा? गौर से देखिए, जग में माँ के नाम से प्यारा क्या होगा? और जिसके जन्नत कदमों में हुआ करती है, उसके सर का मुकाम क्या होगा? उसके सर का मुकाम क्या होगा? क्योंकि तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दाव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, जन्म देती है माँ। हम उस भारत में रहने वाले हैं जहाँ जन्म भी एक कल्याणक माना जाता है, जहाँ जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाती है वो माँ होती है, क्योंकि माँ वो होती है जो हमें चलना फिरना खाना पीना और जग से पार उतारना भी सिखाती है। माँ सिर्फ जन्म देने वाली माँ नहीं होती है, हमें जीवन देने वाली भी माँ होती है, क्योंकि दिवते आवन हार भये भवि भाग उदय बल, पहले ही सुराए कनक में किए महितल। हमारे तीर्थंकरों का जन्म होता है तो जन्म कल्याणक ही नहीं होता है, गर्व कल्याणक भी होता है, क्योंकि माँ जैसे प्रणाम करती है, जैसी उसकी भावनाएं होती हैं, वैसा जीव हमारे यहाँ आता है। यदि माँ की शुभ और विशुद्ध परिणामें हैं, दया और करुणामय परिणाम है, तो स्वर्ग का जीव आएगा, और यदि माँ कुत्सित है तो नरक का जीव आएगा। आप लोग चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी रहे, आप चाहते हो कि आपके परिवार में बहुत धन की वृद्धि हो, सुख शांति हो, खिलखिलाता आपका जीवन हो, मुस्कुराती आपकी सारी जिंदगी का हर पल हो,
तो आप हंसना और खिलखिलाना सीखिए, लेकिन किसी के और पर नहीं, किसी की तकलीफ पर नहीं। क्योंकि कहते हैं लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। लोग दूसरों पर बहुत आसानी से हंस लेते हैं, गिरतों पर हंस लेते हैं, बुढ़ापों पर हंस लेते हैं, बूढ़े आदमी पर हंस लेते हैं, अशक्त आदमी पर हंस लेते हैं। लोगों की ज़िंदगी में हंसना बड़ा आसान हो गया है। लोग हंसने के लिए सुबह सुबह पार्क में हंस लेते हैं, व्यायाम हो गया। अरे ज़िंदगी में हंसी खुशी लाओ, किसी के दर्द पर मत हंसो, किसी की मजबूरी पर मत हंसो, किसी के गिरने पर मत हंसो। यदि हंस सको तो रोतों को हंसा कर हंसो, तुम्हारी हंसी पूजा हो जाएगी, तुम्हारी हंसी वरदान हो जाएगी। क्योंकि तुम जरा जाग कर तो देखो, सैकड़ों गम के मारे मिलेंगे, उनके यहाँ आप मुस्कुराहट बांट कर आओ, उसके यहाँ भी खुशी दे कर आओ। आपके घर पर इतना खाना और इतने कपड़े होते हैं कि आपको उनको पहनने की फुर्सत नहीं, खाने की भूख नहीं, लेकिन जरा झांक को, जरा आसपास में भी देखो कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई लाचार तो नहीं है। तुम्हारे बच्चों के पढ़ने पर तुम करोड़ों रुपया खर्च कर देते हो, कहीं देखो कि किसी का बच्चा पैसों के अभाव में पढ़ने के लिए मोहताज तो नहीं है। ये ज़िंदगी है, क्योंकि अगर तुमने किसी का दिल दुखाया ना होता तो तुम्हारे घर में भी कभी अंधेरा ना हुआ होता। हमने दूसरों के जलते चिराग बुझाए हैं, इसलिए आज हमारे दिलों में अंधेरा है। हम कोशिश करें कि हमारे द्वारा किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। हमने अपने स्वार्थों के कारण, अपनों के कारण बहुत कुछ लोगों का अहित किया है, बहुत लोगों का अहित किया है। क्योंकि लोग कहते हैं सत्यसी मैत्री की भावना होना चाहिए, हमने सर्वथा स्वार्थ की भावना को अपनाया है। हम किसी का कुछ भी अहित होता हो, हमें अपनों का भला चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि लोग कसाई बुरी है, मैं कहती हूँ पहनने में, पढ़ने में, लिखने में, पद में, प्रतिष्ठा में, जन्म से लेकर मौत तक हम लोग कसाई के गिरफ्त में रहते हैं। हम लोग कसाई के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, हमारा बच्चा बढ़िया हो जाए, हमारा मकान बढ़िया बन जाए, हमारी व्यवस्थाएं बढ़िया हो जाए। क्या बढ़िया होना, हमारे जितने तीर्थंकर थे उनका कोई बड़ा होने का उद्देश्य नहीं था, और जब उद्देश्य नहीं था तो वो इतने बड़े हो गए कि जगत पूज हो गए। और जो समझते हैं कि हम बड़े हो जाएं, वो इतने छोटे हो जाते हैं कि उनकी सारी साख राख में मिल जाती है। और हमें गर्व कल्याणक की तरफ ध्यान देना है। हमारे कल्याणक मात्र महोत्सव नहीं है, आमोद प्रमोद के कारण नहीं है। हमें आज भी पंचम काल में भी ये शिक्षा देते हैं कि यदि परमात्मा को लाना है तो पहले माँ को पवित्र बनना पड़ेगा। माँ पवित्र होती है तो उसकी भूमि पर ही सच पूछो परमात्मा का बीज लगता है। हमारे जितने पंच कल्याणकों में आपने देखा होगा, माँ सुप्रभाती से कायसर पूर्वर परमात्मा का स्मरण करके, अपने आत्म ध्यान करके उठती थी। आज की माताएं दो क्षण को परमात्मा का नाम नहीं लेती हैं, और कह दो कि मंदिर आया करो, स्वाध्याय किया करो, तो कहती है मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। हमने कहा वास्तव में ऐसे लोगों की जिंदगी भी मौत से बदतर है, जिन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ है, अपने भोगों की चिंता है, अपने योगों के द्वारा अपने बच्चों को सतपथ की चिंता नहीं है। समझ लेना वो माता शत्रु है जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं देती है। और इसलिए हमारे यहाँ गर्भाधान के भी संस्कार हुआ करते थे। हमारी माता की पूजा करने के लिए, तीर्थंकर देव की माता की पूजा करने के लिए स्वर्ग से देवियां आती थी, गर्भ शोधन करती थी। और हमारे यहाँ आम महिलाएं भी बड़े बुजुर्गों की महिलाओं के अनुसार चलती थी। उन्हें कहती थी धीरे चलना, धीरे बोलना, खुश रहना, सबका काम करना, सबकी आज्ञा मानना। इसलिए उनकी संतान ऐसी होती थी, कुल दीपक होती थी, कुलाकार नहीं होती थी, कुल को नाश करने वाली नहीं होती थी, कुल की शोभा बढ़ाने वाली होती थी। आपने देखा होगा, चाहे महाभारत में देखो और चाहे रामायण में आपने देखा, हर बेटा अपनी माँ के पैर छुआ करते थे, और जो माँ से ऊपर बोला करते थे वो दुर्योधन जैसे।
बेटे हुआ करते थे, अपनी स्वार्थ लिप्सा में दिन रात अंधों की तरह दौड़ा करते थे। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम बच्चों को यही सब सिखा रहे हैं कि बहुत दौड़ लगाओ, कहीं पहुंच जाओ, कहीं कुछ नहीं पहुंचते, ये तो परिक्रमा है, कहाँ पहुंचोगे? फिर वहीं आ जाओगे, ये तो अंधी दौड़ है। जहाँ लोग दौड़ते हैं और थक थक कर गिर जाते हैं, मर जाते हैं और उनकी चिताएं जल जाती हैं, लेकिन चेतना को नहीं जगा पाते हैं। हमें कोशिश करना है आज फिर से अपने बच्चों को वो संस्कार दें। माताएं यदि संस्कारवान होंगी तो बच्चों को संस्कार मिल पाएंगे। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। हम अपनी माताओं को कोशिश करें, अपनी बच्चियों को, क्योंकि लोग कहते हैं बहू से कहो मानती नहीं। मैंने कहा अब बहू नहीं सुधर सकती है, वो जमाना गया जब 8-9 साल में विवाह हो जाया करते थे तो सास जो सा कहती थी वैसा चल लिया करती थी बहू। अब वो 28-32 साल की आ रही, वो आधी बूढ़ी पहले ही आ रही, वो क्या सुनेगी किसी की? और आज हमारे रीति रिवाज, हमारा रहन सहन, हमारा चलन भी इतना बिगड़ गया है कि हमने कोई तौर तरीके, बड़े तो हमें बेवकूफ लगते हैं। क्योंकि आज फिर से हमें राम जैसे लाना है, महापुरुष लाना है, महावीर जैसे महापुरुष लाना है, लेकिन हमारी आज परिणति इतनी बिगड़ गई है, हमारी परिणति इतनी बिगड़ गई है। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं? घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? अब घनश्याम कहाँ से आए? कहाँ कोई केकई जैसी माताएं हो गई। लोग कहते हैं कि कई पंडिता थी, मैंने कि वो तो पंडिता थी लेकिन तुम लोग तो ज्ञानी भी नहीं हो और अपने बच्चों को सिर्फ स्वार्थ की भावना सिखा रही हो। इसलिए कोशिश करना है हमारे हर घर में परमात्माओं के व्यक्तित्व की तरह हमारे व्यक्तित्व वाले बच्चे आए हमारे यहाँ। हम कब तक पुराने भगवान का नाम लेते रहेंगे कि हुए थे भगवान ऐसे थे? क्योंकि हर बच्चा अपने बाप का प्रमाण पत्र होता है। आप कैसे थे ये आपकी औलादें बताएंगी, आपने क्या किया था ये आपकी औलादें आपकी प्रमाण पत्र हैं, वो बताएंगी कि आपने कैसा जीवन जिया है। इसलिए आज भी सुधर जाओ, अभी वक्त है, अपने आप को बदल दो। माताओं को चाहिए कि सिर्फ विलासता की मूर्ति बनकर नहीं बैठें, साधना की और विषय त्याग की तरफ भी ध्यान दें। क्योंकि जो हम सोचते हैं, जैसा विचार होता है, जो हम सोचते हैं जैसा विचार होता है वैसी संतान आती है। आपने सुना होगा सुभद्रा ने चक्रव्यूह में घुसने की कला सुनी थी और बेटे ने सीख ली थी गर्भावस्था में, लेकिन निकलने की कला बता रही थी तो उसकी नींद लग गई और अभिमन्यु की मौत का कारण हो गई। वो तो जरा सी चूक हो गई, लेकिन आज माताओं की औलादों का क्या हाल होगा जिनकी माताएं कभी जागी नहीं, जिन्हें सुबह से शाम तक परमात्मा का एक बार स्मरण नहीं आता है, कोई धर्म ध्यान नहीं, कोई शांत भाव नहीं, कोई साधना नहीं, कोई विषयों से विरक्ति नहीं, उनकी कामासक्त संतानें होंगी और उनकी संतानें उन्हें सुख नहीं दे पाएंगी, उन्हें आखिरी तक उनकी संतानें उन्हें संताप देंगी। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपकी संतानें आपको सुख दें तो गर्भाधान के पहले से हर महिलाओं को अपने नियमित पूर्वक, अपने नियमित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, सट कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और उसके बाद आप देखिए आज के समय में लोग कहते समय बदल गया, मैंने कि समय कब बदलता है? समय नहीं बदलता है, लोगों के ख्याल बदल जाते हैं। आज भी हमारे ख्याल बदलें और हम संतानों को सुसंस्कार दें। क्योंकि एक महिला के 4 बेटे थे, बाप बार बार कहता था उसका पति कि मेरा तो बड़ा वाला बेटा है, वो कहती थी कैसी बात करते हो, मैं क्या और 3 कहीं से लाई हूँ, आप ही के तो बेटे हैं। एक बार उसने कहा देख लो मेरा बेटा तो, मेरे संस्कार तो एक ही बेटे में। और एक बार माँ बीमार पड़ के बहाना बनाकर माँ लेट गई और बड़ा बेटा आया, कहने लगे क्या हुआ? माँ ने कहा
कि तेरे पिताजी ने पीटा है। बोल कहने लगी आपकी कोई गलती होगी माँ, ऐसे पिताजी नहीं पीट सकते हैं, और आप क्रोध को छोड़िए, आप इस तरह से मत संतापित होइए, आप अपना काम कीजिए, पिताजी ऐसे नहीं है। दूसरा था वो कहने लगा क्या हुआ माँ, माँ ने फिर वही बात कही कि तेरे पिताजी ने पीटा है। कहने लगे आने दो, तिल की तेल की तरह पेल दूंगा उन्हें। तीसरा बेटा आया, तब भी माँ ने वही बात कही तेरे पिताजी ने पीटा, तो वो कहने लगा आने दो आज चमड़ी उधेड़ दूंगा। और कहते हैं चौथे के बारे में कहा तो उनने कहा कि आने दो पिताजी को रुई की तरह धुन दूंगा। अब बात सोचने लगी बेटा तो चारों मेरे हैं, ये कैसी किसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद उसे ख्याल आया कि जिस दिन मैंने सिर धोया था बड़े बेटे के टाइम मैंने पति के दर्शन किए थे, और दूसरे बेटे के समय मैं तेली के यहाँ चली गई थी, उसका मुख देखा था, और तीसरे बेटे के समय मैं चमार के यहाँ चप्पल लेने चली गई थी, और चौथे बेटे के समय मैं रुई धुनाने के लिए गई थी। इसलिए जिनकी शक्ल देखी थी उनकी अकल की औलादें हैं। आप भी ध्यान रखना, आप अपने घर में महापुरुषों के चित्र लगाइए, महापुरुषों के चरित्र लगाइए, और अपने बुजुर्गों के आदर्श व्यक्तियों के चित्र लगाइए, उनके आशीर्वाद मिलेगा और आपकी संतान उनके पथों पर चलते हुए एक आदर्श संतान आपको मिलेगी। मेरा यही सुभाषिश कि अपने घरों में बहुत प्रेमपूर्ण वातावरण बनाइए, ताकि आने वाली संतानें फिर हमारी परमात्मा की तरह हो और आपका भी परम कल्याण हो। मेरा यही सुभाषिश।